Good morning class, how are you all? Hope you all are doing well. Today we are starting with topic 3.4, plastics. You must be familiar with the many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. तो अभी रोज़मर्रोज़ की लाइफ में हम बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, राइट? प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. जैसे सिंथेटिक कपड़ा होता है उसी तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है. पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब मॉलिक्यूल्स. ऑल द प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट. तो सारे प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते, उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है. इन सम इट इज़ लीनियर वेरस इट इज़ अदर्स इट इज़ ए क्रॉस लिंक्ड. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल. द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इन टू शीट्स और मेड इन टू वायर्स. दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस. अभी प्लास्टिक जो है उसको आप मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, उसके वायर्स बना सकते हो, अलग अलग शेप में उसको ढाल सकते हो. इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक इज़ देयर. खिलौने बना सकते हैं, खाने के बर्तन बना सकते हैं, पानी की डोल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़. पॉली इथीन, पॉली मतलब बहुत सारे और इथीन मतलब इथीन के मॉलिक्यूल्स, इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए प्लास्टिक इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स. जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ये प्लास्टिक ही होता है जिसका नाम है पॉली इथीन. नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजीली. सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स को बेंड करने की कोशिश करो, क्या वो इजीली बेंड हो सकते हैं, राइट? कुछ टूट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे. यू विल ऑब्जर्व दैट सम कैन बी बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक डाउन व्हेन फोर्स्ड टू बेंड. व्हेन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड. सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक्स. अभी अगर ईजिली मोड़ना है तो मोड़ सकते हैं, ठीक है? अगर गर्म पानी उसके अंदर डाला तो उसका शेप बिगड़ जाएगा. इस तरह की जो प्लास्टिक होती है उसको हम बोलते हैं थर्मो प्लास्टिक. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक. तो पीवीसी और पॉलीथीन उसके एग्जांपल्स हैं. दिस आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. ऑन द अदर एंड देर आर प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप गर्म भी करो ना तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे. इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन. इसका दो एग्जांपल है, बेकेलाइट और मेलेमाइन. बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस. तो बेकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विच में काम आता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स. मेलेमाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल, रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट द फायर. फिगर 3.8 शोज द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं. प्लास्टिक मटेरियल्स ऑफ चॉइस. टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. उनका वज़न इतना कम होता है, राइट? तो खाने की कोई भी चीज़ है, तेल का कंटेनर बनाना है, राइट, ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, तो सब उसमें यूज हो सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग. इतनी सारी खूबियाँ हैं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, तो हर कोई खरीदेगा, राइट? बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू.
The list is endless. And if we start counting articles like sleeper, furniture, decoration pieces, etc. So now let us discuss the characteristic properties of plastics. तो लिस्ट तो एंडलेस है उसका, जहाँ भी देखो आजकल प्लास्टिक 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 हो चला है. प्लास्टिक इज़ ए नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नॉन एज नॉन रिएक्टिव. यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, एंड लोखन जो है वो सड़ सकता है बारिश के पानी में अगर रह गया तो. प्लास्टिक को रख दो, प्लास्टिक को कुछ नहीं होगा, ठीक है. दे आर नॉट करोडेड ईजीली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. तो उसको सड़ाव नहीं लगता है, इसीलिए वो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए. प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वज़न में हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटेगा नहीं, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चल सकता है. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. हमको पता है कि पुराने ज़माने में लोग नहाने में जो बकेट यूज़ करते थे वो या तो एल्यूमिनियम की आती थी या लो जिंक लगा हुआ आयरन होता था, है ना. What is the material of the buckets or mugs used are using today? What are the advantages of using plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. वो सस्ते मिलते हैं metals से. They are widely used in industries and for household particles. Make a list of different kinds of plastic containers that you use in your daily life. Plastics are poor conductors. You have learnt about that plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. वो जल्दी गर आग नहीं पकड़ते, right? And handles of the screwdrivers are made of plastic. तो वो electricity को भी conduct नहीं करते, अपने से pass नहीं होने देते. इसीलिए screwdrivers के और electrical pliers के handles जो होते हैं वो भी plastic या rubber से बने हुए होते हैं. As mentioned about handles of frying pans are also made up of plastic. तो हम बर्तन यूज़ चूल्हे पे रखते हैं उसके हैंडल भी प्लास्टिक से होते हैं. क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं, अपना हाथ गर्म नहीं, अगर मेटल का ही हैंडल होगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो गर्म हो जाएगा, दैट इज़ वाई. तो यहाँ पर approximate time taken to degrade, type of waste और nature of material जो होता है वो बताया गया है कि peels of vegetable जो होता है ना उसको एक या दो week लगता है वो पूरे का पूरा biodegrade हो जाएगा. paper को 10 से 30 दिन लगेंगे, cotton को 2-5 महीने लग सकते हैं, लकड़े को 10 से 15 साल लगेंगे, वो भी biodegradable है. woolen clothes about 1 साल लग सकता है उसको ख़राब होने में. टिन एल्यूमिनियम उसको 100 या 500 साल लगेंगे, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. लेकिन प्लास्टिक बैग जो है वो 500 साल से भी ज़्यादा टिक सकती है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. क्योंकि प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत साल लगता रहते हैं, इसलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड.
In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. So how can this problem be solved? अभी प्लास्टिक की इतनी सारी खूबियाँ तो है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और जो भी शेप देना है वो दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक ये है कि वो 500-600 साल तक वो डिग्रेड नहीं होता है। अगर उसको नष्ट करना है तो या तो आप जलाओगे तो भी उसमें से पॉइजनस गैस बाहर निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम से कैसे इजाद पाया जाए हमें, ठीक है? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। तो प्लास्टिक का जितना कम हो उतना यूज़ करो, लेकिन आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं है। लोग जो भी चीज़ दिखते हैं वो प्लास्टिक की बनती जा रही है। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए जब भी जाओ ना, तब बैग लेके जाओ साथ में, कॉटन की या जूट की। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। तो जब भी कचरा करो घर में होता है तो उसको दो अलग अलग सेगमेंट में यूज़ करो, कि एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक अगर बोतल ये टूट गई, हमको काम नहीं आएगी, तो इसको केमिकली या फैक्ट्री में पिघला के उसको रीयूज़ कर लो, उसका दूसरा कुछ बनाओ, राइट? तो दैट इज़ रिसाइकलिंग। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। तो जो भी थर्मोप्लास्टिक्स होती है उसको आप रिसाइकल कर सकते हो। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड एंड दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब भी रिसाइकल करते हैं तब उसके अंदर कलर ऐड किए जाते हैं, और ऐसी प्लास्टिक को फिर खाना स्टोर करने में यूज़ नहीं कर सकते हम। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। हमें एक जागरूक नागरिक के रूप में 5R याद रखना है। कौन कौन से? रिड्यूस, कम यूज़ करना है, रीयूज, उसको बार बार यूज़ करना है, रिसाइकल मतलब एक बार टूट फूट गया तो उसको फिर से रिसाइकल करके यूज़ करना है, रिकवर एंड रीयूज, डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसी आदतें डालो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे इन्वायरमेंट को, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाए। डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। जहाँ भी हो हम लोग क्या है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी ले गए थे, पानी पी लिया, ख़त्म हो गया तो बोतल फेंक दी, तो यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग। जब भी शॉपिंग के लिए जाओ तो कॉटन का थैला या जूट का थैला ले जाओ। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। जितना हो सके उतना प्लास्टिक कम यूज़ करो। यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। नाश्ता भी ले आओ टिफिन में तो स्टील का ले आओ, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखने जैसी है। तो इस चैप्टर में हमने देखा एक्रेलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, नायलॉन क्या होता है, प्लास्टिक क्या है, पॉलिस्टर क्या है, पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन क्या है, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, टेरलिन, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।